वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे SBI सिक्योर क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपका सेविंग अकाउंट SBI बैंक में है तो क्या आपको FD के अगेंस्ट SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं, कौन सी कंडीशन में आप SBI का सिक्योर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे और कौन सी कंडीशन में आपको SBI का सिक्योर क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है, या फिर आपको इन फ्यूचर SBI कार्ड अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकता है। तो गाइस टोटल डिटेल इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए। तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा क्रेडिट कार्ड दो टाइप के होते हैं, अनसिक्योर और सिक्योर। सिक्योर क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके पास में कोई सिक्योरिटीज होनी चाहिए। अगर आप किसी भी बैंक में FD बुक करते हैं तो उसके अगेंस्ट भी आप एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना होता है, विदाउट किसी इनकम प्रूफ के इंस्टेंट आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और आपका क्रेडिट कार्ड भी इंस्टेंट अप्रूव हो जाता है क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड के लिए पहले से एक सिक्योरिटीज डिपॉजिट कराई है। वही अगर अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड की हम बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके पास में एक इनकम प्रूफ होना चाहिए, इनकम बेस होना चाहिए। आपकी इनकम को वेरीफाई करके ही कोई भी बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड इश्यूर आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस सिक्योर क्रेडिट कार्ड SBI बैंक में मिलता है, इसमें आप दो क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, SBI का सिंपली सेव और सिंपली क्लिक। तो क्या आपको इन फ्यूचर सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड के लिए वेट करना है? तो गाइस ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, अगर आपके पास में इनकम प्रूफ है या फिर आपके पास में दूसरे किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट काफी ज्यादा हाई है तो आप यहाँ पर अपनी इनकम के बेस पर या फिर कार्ड टू कार्ड अप्लाई करके भी SBI का कार्ड रिसीव कर सकते हैं। हालांकि आपको इसके लिए ब्रांच के थ्रू अप्लाई करना होगा या फिर आपने देखा होगा बड़े बड़े जो मॉल होते हैं वहां पर आपको SBI कार्ड की सर्विस मिल जाती है। SBI कार्ड की सर्विस थर्ड पार्टी है इसलिए आपको बड़े बड़े मॉल में SBI कार्ड की सर्विस मिल जाती है, वहां से आप अपने इनकम के बेस पर या फिर आप कार्ड टू कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर आपको कार्ड टू कार्ड अप्लाई करना है तो आप नजदीकी ब्रांच में भी विजिट कर सकते हैं, SBI कार्ड की सर्विस वहां पर भी आपको मिल जाती है। लेकिन गाइस हमारा टॉपिक है हमें सिक्योर क्रेडिट कार्ड SBI का लेना चाहिए या फिर नहीं। तो गाइस यहां पर मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, अगर आपके पास में कोई इनकम प्रूफ नहीं है या फिर आपका सेविंग अकाउंट किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी नहीं है तो गाइस यहां पर आपको बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है। आप एक सिक्योरिटीज अमाउंट लीजिए, उसका टर्म डिपॉजिट बुक कीजिए, बुक करने के बाद आप SBI योनो या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लीजिए। जब आपके पास में कस्टमर केयर का कॉल आता है, SBI कार्ड का कॉल आता है तो आपको डायरेक्टली बता देना है कि हमारे पास में एक टर्म डिपॉजिट है, उसके अगेंस्ट में SBI का कार्ड लेना है। तो वो आपसे दो सवाल पूछेंगे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन का बोलना है इसलिए आपको सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड मिल जाए। अगर आप ऑफलाइन का बोलेंगे तो फिर आपको सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। अभी के टाइम में सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपको दोनों कार्ड दिए जा रहे हैं, SBI का सिंपली क्लिक और सिंपली सेव। पहले के टाइम में ओनली फॉर सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड ही सिक्योरिटी के अगेंस्ट SBI कार्ड है वो इश्यू करता था, बट अभी के टाइम में आपको दोनों क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस हैं, दोनों में से आप कोई भी क्रेडिट कार्ड है वो इश्यू करा सकते हैं। गाइस टर्म डिपॉजिट आपको मिनिमम 25,000 की बुक करनी होगी तो अमाउंट काफी ज्यादा है, बट गाइस इतना तो आपको अमाउंट करना ही होगा क्योंकि क्रेडिट यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप 30% लिमिट को अगर यूज करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर भी बेहतर बनेगा और इन फ्यूचर आपको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड आपको कितने टाइम में मिलेगा तो इसका कोई यहाँ पर गारंटेड टाइम पीरियड नहीं है, बट गाइस आप अपने क्रेडिट कार्ड को जब यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं, मनी को खर्च करते हैं, उसके बाद आप रिपेमेंट टाइमली करते हैं, 30% रेशियो के अकॉर्डिंग आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, तो गाइस इसका
एक स्टेटमेंट क्रिएट होता है, आप 6 मंथ का स्टेटमेंट, 12 मंथ का स्टेटमेंट आप दिखाकर अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद जब आप अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड रहेगा एसबीआई का, वो अप्रूव होने के हाई चांस रहेंगे। हाई चांस बोले तो आपका कार्ड यहाँ पर अप्रूव हो सकता है, क्योंकि आप पहले से एसबीआई कार्ड के यूजर हैं और आपने कभी भी पहले कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, आपका क्रेडिट स्कोर भी बेहतर है। तो गाइस ये एक तरीका है, पहले आप एसबीआई का सिक्योर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेने के बाद आप उसको यूज कीजिए, उसके बाद अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस एसबीआई कार्ड के काफी सारे ऑफर होते हैं, आपने देखा होगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आदि जो ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पर आपको हमेशा 10% डिस्काउंट एसबीआई कार्ड पर देखने को मिलता है। काफी ज्यादा प्रोडक्ट पर आपको एसबीआई कार्ड के डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए।